एसएस राजामौली की निर्देशित फिल्म आरआरआर पहले दिन से ही बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर रही है और इस फिल्म ने अभी तक की सारी फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इसकी वजह इस फिल्म की दमदार लव स्टोरी और फिल्म में लीड रोल में नजर आ रहे जूनियर एनटीआर और रामचरण की जोड़ी है, जो साउथ के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर और टैलेंटेड एक्टर है, जिन्होंने इस फिल्म में अपनी जोड़ी से दर्शकों का खूब दिल जीत लिया और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हो रही है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आरआरआर फिल्म में अपने किरदार से दर्शकों को अपना दीवाना बना रहे अभिनेता जूनियर एनटीआर और रामचरण में से किसके पास सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी है और कौन है सबसे ज्यादा अमीर? नहीं जानते तो कोई बात नहीं, आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सबसे पहले बात करते हैं साउथ के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर और टैलेंटेड एक्टर जूनियर एनटीआर की, जो आरआरआर फिल्म में कोमाराम भीम की भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं और इस फिल्म में इन्होंने अपने किरदार को बखूबी निभाकर अपनी शानदार एक्टिंग स्किल्स, एक्सप्रेशन और डायलॉगबाजी के साथ साथ अपने एक्सप्रेशन से भी दर्शकों का खूब दिल जीता है और ये ऐसे ही कई फिल्मों में भी काम कर चुके हैं, जिसकी वजह से ये आज 440 करोड़ रुपए के मालिक बन चुके हैं और इसी वजह से इनकी बैंगलोर के बंजारा हिल्स में अपना खुद का बंगला है जिसकी कीमत तकरीबन 45 करोड़ रुपए है, जिसमें काफी आलीशान लाइफ स्टाइल जीते हैं। इसके अलावा ये अपने ड्रेस पर भी लाखों रुपए खर्च करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये ज्यादातर सिंपल ड्रेसेस कैरी करना पसंद करते हैं, जिनमें ज्यादातर कुर्ता पैजामा, धोती कुर्ता और सूट होता है, जिनकी कीमत लाखों में होती है और इसके साथ ही अदर एसेसरीज भी कैरी करते हैं, जिनमें इनका फुटवियर और वॉच, परफ्यूम वगैरह शामिल है। इन सब पर ये करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं। वही बात करें इनके कार कलेक्शन की तो बता दें इनके पास BMW 7 सीरीज, रेंज रोवर और लैम्बोर्गिनी यूरस जैसी कई करोड़ों रुपए की गाड़ियां हैं। इसी के साथ एक नजर डालें इनकी पॉपुलैरिटी पर तो बता दें जूनियर एनटीआर के इंस्टाग्राम पर 3.6 मिलियन फॉलोअर्स हैं। अब बात करते हैं रामचरण के बारे में, तो आपको बता दें कि रामचरण इस फिल्म में अल्लूरी सीताराम राजू के किरदार में नजर आए हैं, जो कई और फिल्मों में भी काम कर चुके हैं, जिससे आज एक्टिंग और अपने बिजनेस से 1300 करोड़ के नेटवर्थ के मालिक हैं, जिसकी बदौलत इनकी मुंबई से लेकर साउथ तक में कई प्रॉपर्टीज हैं। तो वही जुबली हिल्स की प्राइम लोकेशन में एक शानदार घर भी है, जो कि 25,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है, जिसकी शुरुआत में ही जहां काफी खूबसूरत गार्डन और स्विमिंग पूल है, तो वहीं इस घर के इंटीरियर्स भी काफी ज्यादा शानदार हैं। इसके अलावा इन्होंने अपने घर को इंडियन कंटेम्प्रेरी और क्लासिक विंटेज के थीम पर डिजाइन करवाया है, जिसकी वजह से इनका घर महल सा लगता है, जिसकी कीमत करीब 28 करोड़ रुपए है। घर के साथ ही आपको बता दें इनकी लाइफ स्टाइल भी काफी ज्यादा शानदार है, जिसमें अरमानी से लेकर गुच्ची जैसे 1 लाख तक के कपड़े कैरी करते हैं, तो वही इनके कोच और जिमी चू जैसे ब्रांड्स के जूतों की कीमत भी 80,000 तक जाती है। इसके साथ ही रामचरण अपने जबरदस्त वॉच कलेक्शन के लिए काफी ज्यादा जाने जाते हैं, जिनकी वॉच कलेक्शन में 45 लाख की रोज गोल्ड फिलिप नॉटिलस और 68 लाख की पार्टेक फिलिपे नॉटिलस क्रोनोग्राफ जैसी एक्सपेंसिव रिस्ट वॉच शामिल है। वहीं इसकी तरह ही इनका कार कलेक्शन भी काफी जबरदस्त है, जिसमें आपको 4 करोड़ की मर्सिडीज मेबीच, 11 करोड़ की रोल्स रॉयस फैंटम और रेंज रोवर जैसी कई गाड़ियां देखने को मिल जाएंगी। अब बात करें इनकी पॉपुलैरिटी की तो आपको बता दें रामचरण के इंस्टाग्राम पर 5.3 मिलियन फॉलोअर्स हैं। लेकिन अगर बात करें कि जूनियर एनटीआर और रामचरण में से किसके पास सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी है, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि रामचरण के पास जूनियर एनटीआर से ज्यादा प्रॉपर्टी है और पॉपुलैरिटी के मामले में भी रामचरण जूनियर एनटीआर से आगे ही हैं। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है जूनियर एनटीआर और रामचरण की प्रॉपर्टी और पॉपुलैरिटी के बारे में जानकर? अपनी राय कमेंट में हमें जरूर बताएं और साउथ इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।